Sociology of Development, Topic 208, Relations and Images of the State. States are assumed to be persons by virtue of their capacity to act internationally, if not always rationally. जो states के relationships होते हैं, first of all, तो ये अपने individuals को accept करती हैं, state अपने citizens को. उनको उनके राइट्स प्रोवाइड करती हैं और रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती हैं. स्टेट्स के अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हैं. स्टेट्स हैव द डिफरेंट ऑब्लिगेशंस जो वो प्ले करती हैं और अगर अपने ऑब्लिगेशंस इंटरनेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ स्टेट इज नॉट टेकिंग प्रॉपरली its mean in the collective development that usually happen in the international mechanisms and frameworks that state is a loser state. State jab tak apna aisa image nahi banati, aisi relationship building nahi karti internationally dusri states ke saath ki jo uske development ke agenda ko support kar saken. आज दुनिया में रिस्पॉन्सिबल स्टेट का कॉन्सेप्ट है. यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वहां डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट कमिटमेंट्स हैं. इंसान की आजादियों से लेके गुर्बत खत्म करने तक, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस मेकिंग में रोल प्ले करने तक, इंटरनेशनली जो वल्नरेबल सिचुएशंस हैं वो क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं, पावर्टी है, उसके लिए स्टेट्स की जो कमिटमेंट्स होती हैं, स्टेट अपनी कैपेसिटी में उनको पूरा करने के लिए रोल प्ले करती हैं. ये रिलेशंस और जो इमेजेस होते हैं ये इंटरनेशनली स्टेट्स के लिए एक सपोर्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं. जब एक एक मशीन के पुर्जे की तरह हर पुर्जा रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा होता है, किसी कलेक्टिव गोल और एम की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रही होती हैं चीजें, अगर कोई स्टेट उन कमिटमेंट्स के साथ नहीं चल पा रही, प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो फिर इंटरनेशनली वो सपोर्ट उस स्टेट को नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए होती है. There are three widely accepted levels of generalization to help understand highly complex problem in world politics and relations. State ke jo image building hai, jo relationships hain, unko understand karne ke liye highly complex situation hai. Wo politics bhi hai aur relations bhi hain. Politics itself bahut bada subject hai aur jab international relations ki baat karein aur international politics ki baat karein तो स्टेट टू स्टेट पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, स्टेट टू स्टेट सिस्टम्स डिफरेंट हैं, स्टेट्स के इंटरेस्ट्स डिफरेंट हैं, हर रीजन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन डिफरेंट है, हर रीजन की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, हर स्टेट की इंपॉर्टेंस डिफरेंट है, उसकी जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी डिफरेंस है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है. तो इंटरनेशनली मल्टी डायमेंशनल चीजें, बहुत सारी चीजें मिलके एक डायरेक्शन बनाती हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्लेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की बेस बनते हैं. जैसे अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो हम जिस जियोग्राफिकल रीजन में हैं, तो हम अपने रीजन में ऐसी जियोग्राफिकल पोजीशन पे हैं, इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स के साथ हैं, तो हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारी एक आइडेंटिटी है कि हमें यह रोल प्ले करना है या हम ऐसा करते हैं. अगर हमारे यहां कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमारा एक इमेज है इंटरनेशनल कि यहां पे ये प्रॉब्लम है इस रीजन में. इसी तरह किसी दूसरे रीजन में अगर यूरोप अमेरिका की एग्जांपल लें, तो उनके रिलेशनशिप्स दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ ऐसे हैं कि जैसे किसी ताकतवर मुल्क के नेशन के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं. उनका इमेज क्या है कि यहां साइंस में, टेक्नोलॉजी में ये एडवांस लोग हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वैल्यूज हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है. अगर स्टेट के
रिलेशनशिप्स को और इमेजेस को देखे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या आपका इमेज है, कैसी आपकी आइडेंटिटी है, कैसी आपको परसेप्शन है। स्टेट लेवल पे कि स्टेट के स्टेट्स के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं, स्टेट लेवल पे आपकी क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या आपकी बेसिक्स हैं, कहां प्रॉब्लम्स हैं, कहां इश्यूज हैं, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और इंटरनेशनल सिस्टम में आप कहां खड़े हैं, कितने आप इंटरनेशनल सिस्टम के लिए सपोर्टिव हैं, कितना प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मिलकर रिलेशंस एंड इमेज ऑफ द स्टेट बनाती हैं, और इन द एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट प्रोसेस जो स्टेट का इमेज है और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं आलमी दुनिया के साथ, जो उसके वो रिलेशनशिप्स की नौयत पॉलिटिकल भी है, ट्रेड बेस्ड भी है, इन टर्म्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी है, वो सारी चीजें मिलके आपकी एक स्टेट के का इमेज बनता है, और दैट इमेज लीड्स टू द सिनेरियोज, जो सिनेरियोज डेवलपमेंट के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं।